केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए लाए गए तीनों कानूनों के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा ने आज पूरे देश में बंदी का आह्वान किया था। इसको लेकर आज मोतिहारी में भी लेफ्ट पार्टियों द्वारा बंद कराया गया। शहर के छतौनी चौक से गुजरने वाली नेशनल हाईवे को राजद कम्युनिस्ट के साथ साथ अन पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने बंद कराया। राजद जिलाध्यक्ष सुरेश यादव व नरकटिया विधायक शमीम अहमद के नेतृत्व में सैकड़ों राजद कार्यकर्ता हाथ में झंडा लिए सड़क पर उतरे और जमकर प्रदर्शन किया। आज विभिन्न किसान संगठनों द्वारा भारत बंद का आह्वान किया गया था, उसमें हमारे नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के आह्वान पर राष्ट्रीय जनता दल का पुरजोर समर्थन है, उसी के पक्ष में हम लोगों ने आज धरना देने का काम किया, रोड जाम करने का काम। आज भारत में जिस तरह किसानों को परेशान किया जा रहा है और ये काला कानून ला करके यहाँ के जमीन ब्यूरोक्रेट के हाथ में देने की जो साजिश चल रही है, जल्द से जल्द इस कानून को वापस ले करके किसानों के हक में काम करे। जब तक ऐसा नहीं होता है ये भारत बंद का आह्वान, जेल भरो अभियान, ये आगे कार्यक्रम ये चलता रहेगा। तो केंद्र सरकार जल्द से जल्द इस कानून को संशोधित करके इस कानून को जल्द से जल्द हटा